अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे जो इनक्यूबेटर के डिज़ाइन हैं उनकी, जो प्लेसमेंट होती है हीटर की, फ़ैन की, वो कहाँ कहाँ हो सकती है और कौन सा जो है सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। तो हम जो है आज बात करेंगे तीन डिज़ाइंस की। ये तीन डिज़ाइंस जो होते हैं वो तीनों बेस्ट हैं। इनकी जो प्लेसमेंट होती है फ़ैन की और हीटर की, इन सब की अलग अलग होती है तीनों सेटअप की। टॉप टू डाउन यानी कि ऊपर से हीट नीचे की तरफ जाएगी, जो हीट होती है वो, जो ये फ़ैन है ये हवा फेंकता है हीटर के ऊपर, ठीक है। ये साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू है तीनों का। तो ये साइड व्यू से आप देख सकते हैं कि जो ये फ़ैन हम ऊपर की तरफ लगाते हैं, तो आपको ये दो फैंस दिख रहे हैं। तो हमने एक फ़ैन दिखाया है यहाँ पे, लेकिन दो फ़ैन हैं। तो दोनों फ़ैन जब हवा फेंकते हैं हीटर्स के ऊपर, जो कि बैक पे लगे हुए होंगे, ये साइड पे भी लगा सकते हैं, तो वो जो हवा है वो खींचेगा यहाँ से और इसके ऊपर, हीटर के ऊपर फेंकेगा, सही है। और जब इसके ऊपर टकरा के जो है जगह नहीं मिलेगी तो वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। ये जगह बंद होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो है इसके ऊपर हवा फेंकेगा और ये जाएगी नीचे। यहाँ रखी होंगी आपकी ट्रेस, फिर फॉर एग्ज़ाम्पल तीन ट्रे का हिसाब रख रहे हैं। तो ये जब हवा नीचे जाएगी तो अब यहाँ कहाँ से जाएगी, तो अब ये इसके ट्रे के ऊपर से होती हुई, इस ट्रे के ऊपर से होती हुई, इस ट्रे के ऊपर से होती हुई वापस जो है जाएगी इस तरफ, जो पंखा हवा खींच रहा है। तो इससे आपकी जो सर्कुलेशन है वो राउंड वाइज हो जाएगी। तो फ्रंट से देख लेते हैं। फ्रंट में आपकी जो ट्रेस होंगी ये होंगी, ये हवा सामने से खींचेंगे और पीछे की तरफ फेंकेंगे हीटर्स के ऊपर। वहाँ से हवा नीचे की तरफ जाएगी, पीछे आपने गैप रखना है ट्रेस के तकरीबन कोई 4 इंच, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हवा को जाने के लिए जगह चाहिए। जब वो सारी हवा यूँ आप देखें ऐसे फ्रंट से खींच रहा है, पीछे की तरफ फेंक रहा है, और पीछे की तरफ फेंकते हुए नीचे की तरफ जाएगी, यहाँ पे आपने पानी की ट्रे रख ली है या जो भी आपका ह्यूमिडिफायर होगा, वो फिर उस ह्यूमिडिटी को भी साथ लेते हुए ऊपर की तरफ आएगा और पूरा सर्कुलेशन आपकी वापस से हो गई, ठीक है। यहाँ से हीट आएगी, यहाँ से ह्यूमिडिटी आएगी और फिर सबको इक्वल हीट मिलेगी इस तरह से। तो यहाँ पे आपका ह्यूमिडिफायर हो गया, तो इसको भी लेते हुए जो है राउंड 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 घुमाती रहेगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बैक पे आपने 4 इंच का गैप रखना है और फ्रंट पे 2 इंच का गैप रखना है ट्रेस में। और जो फ़ैन है वो आपने इस वाले सिस्टम में टॉप टू डाउन में हैवी वाला रखना है। जैसे मेरे पास ये दो फैंस हैं, एक फ़ैन है 0.20 और ये है 0.60। हमने कम से कम जो है 2 एम्पियर तक का रखना है, जो कि बहुत हैवी जो है सिस्टम होता है, जो कि हवा को बहुत तेज़ी के साथ नीचे फेंकेगा। तो हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं और जो प्लेसमेंट है वो भी देखते हैं। ये है बहुत स्लो फैन, ठीक है, और ये है हैवी फैन। इसकी आवाज़ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ घूम रहा है। तो ये जो है हवा फेंक रहा है इतनी और ये हवा फेंक रहा है इतनी, तो हमें इस तरह का जो है चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और आपने ध्यान में रखनी होती है कि जो गैप है ना इन फैंस के पीछे, आपने तकरीबन 3 से 4 इंच का गैप छोड़ना होता है पीछे की जगह पे। अगर हम इसको कवर अप कर देंगे तो ये उल्टा खींचने लग जाएगा, देख रहे हैं वापस की तरफ खींच रहा है। तो आपने तकरीबन कोई इसकी जगह छोड़नी होती पीछे की तरफ बिल्कुल, वो भी ऐसे ही। अगर हम इसको बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ेंगे तो ये उल्टा खींचना स्टार्ट कर देगा अपनी तरफ। तो आपने तकरीबन तकरीबन 3 से 4 इंच की जगह बैक पे छोड़नी है और फ्रंट पे भी छोड़नी है। तो टॉप में, टॉप डिज़ाइन में आपको बहुत हैवी फ़ैन लगाना ज़रूरी है। इस वाले फ़ैन से जो टेम्परेचर है ना 38 जो बन रहा होगा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे, वो 38 यहाँ तक तो बन जाएगा, लेकिन वो इतनी पावर से नीचे नहीं जा पाएगा
तो यहाँ आपको मिलेगा 38 सेल्सियस, यहाँ तक आते आते 37 हो जाएगा। उस चीज़ से बचने के लिए आपने हैवी फ़ैन लगाना है टॉप वाले, टॉप टू डाउन वाले सिस्टम में। तो ये हमारा सिस्टम अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिज़ाइन जो है इस तरह से वर्किंग करेगा। दूसरा डिज़ाइन है हमारे पास साइड से ट्री की तरफ। तो ये है हमारा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में हमारे पास जो है साइड वाला ऑप्शन होता है, यहाँ ये दरवाज़ा होता है, यहाँ सिर्फ ट्रेस होती हैं, यहाँ पे फ़ैन होंगे आपके, ये हीटर्स होंगे और सारा जो इलेक्ट्रिकल कंपार्टमेंट होगा वो ये होगा। तो इसमें तरीकाकार ये है कि ये जो है बल्ब आपकी जो साइड्स पे लगे होंगे और यहाँ से ये हवा फेंकेंगे, पीछे की तरफ लगे होंगे, यहाँ पर ये जो साइड है यहाँ से ये बंद होगी और ये फ़ैन है यहाँ लगे हुए होंगे, पीछे की तरफ से हवा जो है साइड ट्रे से फेंक रहे होंगे, यहाँ यहाँ से खींच रहे होंगे, यहाँ से जा रही हवा, ठीक है, और हीटर हीट को लेते हुए अंदर की तरफ फेंक रही। इसको आप थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं, फ़ैन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाले सिस्टम में आपको मिलेगा साइड से सारा हीट हीट खींच के, और यहाँ पे आपने ह्यूमिडिफायर लगा हुआ होगा, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर खींच के जो है पीछे की तरफ से यहाँ ट्रेस पे फेंकेगा, सारी हीट जो है यहाँ आएगी और वापस की तरफ जो है घूम के यहीं से जा सकती है, वापस जो है यहाँ से आएगी और यहीं से वापस जाएगी और घूम के फिर वापस आएगी। उसके लिए आपने यहाँ पे एक जो है मोकला रखना है, एक वेंटिलेशन ओपन करके रखनी होगी, तो यहाँ से हीट आएगी, सारी ट्रेस को इक्वल हीट मिलेगी क्योंकि तीन फ़ैन है और तीन हीटर है, सबको इक्वल हीट मिलेगी और सारी जो है घूम घुमा के वापस से इस में जाएगी और फिर वापस से कंटिन्यू करेगी अपनी पोजीशन। तो ये आपको ये इस तरह की वेंटिलेशन मिलेगी, पूरी ट्रे के ऊपर इक्वल हीट और हर ट्रे पे इक्वल हीट आएगी, ठीक है, साइड टू ट्रे। तो ये हमारा साइड पे, ठीक है, और ये फ्रंट पे हो साइड टू ट्रे की तरफ, क्योंकि साइड से ये ट्रे से फेंक रही हवा और वापस खींचेगी यहाँ से, और ये चीज़ अंदर जाएगी गर्म ठंडी हवा, यहाँ से गर्म होके और ह्यूमिडिटी को साथ लेके फिर जो है हर ट्रे को इक्वल हीट मिलेगी। तो इसमें आप जो फ़ैन है वो आपने कम से कम 0.40 इस्तेमाल करना है, 0.40 0.50। अगर आप हल्का फ़ैन इस्तेमाल करेंगे तो हीट आपकी सही तरह से नहीं पहुँचेगी, 0.50 कम से कम आपने रखना है। तो ये भी हमारा सेटअप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इन दोनों में तीनों में कुछ भी समझना है तो आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा या फेसबुक पेज पे। अब ये जो सेटअप है ये भी बिल्कुल सेम इसी की तरह है। तो ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू। हमने पीछे की तरफ जो है कवर करेंगे और तकरीबन कोई 4 इंच की जो है जगह छोड़ेंगे पीछे की तरफ। ये आपकी ट्रे हैं, ठीक है, 1 2 3, हर ट्रे का अपना एक हीटर है एक फ़ैन है, ठीक है, सबको इक्वल हीट मिल लेगी। तो ये फेंकेगा हवा कहाँ से खींच के, यहाँ से जो हीटर है यहीं पे आप लगाएंगे मोकला, ठीक है, हवा खींचने के लिए, और ये फेंकेगा हवा बाहर की तरफ ट्रेस के ऊपर, या ट्रे के ऊपर हवा आएगी और वापस जाएगी इधर से अंदर की तरफ और फिर यहाँ से ये इसका राउंड राउंड मूव होगा। यहाँ पे जो है फिर आपको ह्यूमिडिफायर का जो सिस्टम है पीछे की तरफ ही रखना पड़ेगा यहाँ, ठीक है, यहाँ से इसकी ह्यूमिडिटी बनेगी और ये सबको इक्वल ह्यूमिडिटी जो है मिलेगी, सब ट्रेस को, सब हीटर्स को, सब फैंस को। ये यहाँ हवा फेंकेगा, यहाँ हवा फेंकेगा, ये यहाँ हवा फेंकेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आपका राउंड सिस्टम होगा, इक्वल सब पूरी ट्रे को इक्वल ट्रे हीट मिलेगी। तो ये हमने जो है इसका भी सेटअप सेट हो गया, यानी कि बैक से पीछे की तरफ से जो है आगे की तरफ हवा फेंकेगा फैन ट्रेस के ऊपर, तो ये पीछे से फ्रंट की तरफ आएगी हवा आपकी। तो ये तीनों सेटअप जो है तीनों बेस्ट सिस्टम है, ठीक है, इसमें भी आपको अच्छा जो है रिजल्ट मिलेगा, इसमें भी रिजल्ट मिलेगा, इसमें भी रिजल्ट मिलेगा। इस चीज़ का आपने जहन में रखना है कि हवा को पास होने के लिए जगह की ज़रूरत है, अगर आप जगह बंद कर देंगे उसकी हवा को गुजरने नहीं देंगे तो फिर वो सही से रोटेट नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। तो इसमें जो है फ़ैन आपको बहुत हैवी लगाने, 2 एम्पियर
से कम नहीं लगाना, ठीक है। और इसमें आप 0.50 का जो है लगा सकते हैं तकरीबन, और इसमें भी 0.50 तक का कम से कम लगा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपको लगाना पड़ेगा ताकि हीट नीचे तक आते आते ठंडी ना हो जाए। तो नीचे तक की एक और सेटअप लगा सकते हैं इसमें, कि यहाँ एक और बल्ब लगा लें आप, और यहाँ एक फ़ैन और लगा लें, या फिर यहाँ फ़ैन लगा लें, यहाँ यूँ जाएगी और यहाँ यूँ जाएगी, और फ्रंट पे हवा फिर आगे की तरफ निकलेगी, और फिर यूँ हवा यूँ जाएगी और ये वाली हवा यूँ जाएगी, दोनों जो है वो सब इक्वल हो जाएगी। फिर इस तरह से नीचे वाली ट्रे को भी पूरी पूरी हीट मिलेगी। तो ये फिर आप जब बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रही है, सब ट्रेस के ऊपर आप जो है मीटर रख के चेक कर सकते हैं। तो टॉप टू बॉटम हो गया, साइड टू ट्रे हो गया, बैक टू फ्रंट हो गया, तो ये तीनों सेटअप बेस्ट हैं हैचिंग के लिए। और इस हवाले से हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये बताया था कि जो अंडे हैं वो रख तो देते हैं आखिर के दिनों में, बन तो जाते हैं लेकिन निकलते नहीं है, उसकी क्या वजह होती है, उसकी वीडियो आपके ऊपर जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या ऊपर आपको कार्ड मिल जाएगी, तो वो भी आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सब कुछ करने के बावजूद भी एग्स में प्रॉब्लम है तो कितने अच्छे इनक्यूबेटर क्यों ना हो वो हैच नहीं कर सकता, क्योंकि इसका काम है सिर्फ हीटिंग और ह्यूमिडिटी का मेंटेन करने का, अंडे से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। अंडे का बिल्कुल अलग सिस्टम है, कि अंडे में कुछ जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो क्या क्या हैं वो जो है वीडियो आपको देखनी पड़ेगी ताकि आप कंफर्म हो जाएं। एक अंडे का प्रॉब्लम होता है और एक इंक्यूबेटर का प्रॉब्लम होता है। तो ये वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।